नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार्य निशुल्क क्लासेस में। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत राम राम, जय माता जी की, जय कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी की दीपावली जो है वो बहुत अच्छी गई होगी। केवल रीट की जो थोड़ी सी एक छोटी सी आपको असफलता नजर आ रही है, उसके आधार पर आप ऐसा फैसला न करें कि आपकी दीपावली अच्छी नहीं थी। ऐसा नहीं है, दीपावली बहुत अच्छी रही और एक भरपूर ऊर्जा वाला त्यौहार है। उम्मीद करता हूँ आप सबके घर में खुशियाँ थी। और फिर भी अगर कुछ ऐसे परिवार रहे हैं जो कोरोना काल से पीड़ित रहे हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ मैं दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज की क्लास जो है वो दीपावली के जस्ट बाद की क्लास, सिर्फ और सिर्फ आप में भरपूर ऊर्जा के साथ आपको फिर से युद्ध भूमि में बुलाने के लिए, आगाज करने के लिए आया हूं और बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी जो कहानी है या मेरा जो मोटिवेशन है वो कृत्रिम बिल्कुल भी नहीं है। मैं धरातल से कहानियां उठाता हूं या मोटिवेशन को अपने आसपास ढूंढता हूं। आज भी जैसा कि लिख रखा है कि एक मां और बेटे ने रच दिया इतिहास, बिल्कुल रीट के साथ नीट। आप में एक संशय होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं जैसलमेर पोकरण क्षेत्र की, जहां पर एक मां बेटे ने इतिहास रच दिया। वो इतिहास क्या था जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, निश्चित रूप से कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा शब्द होता है, संसार में सबसे पवित्र रिश्ता, संसार में सबसे विश्वास पात्र रिश्ता होता है मां बेटे का। बिल्कुल ऐसा होता है। और कहते हैं कि देखिए, नारी तो नारी होती है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही एक, ऐसे हमें बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, इतिहास भरा पड़ा ऐसे उदाहरणों से। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक छोटी सी असफलता मिली और उसके बाद हम हताश हो जाते हैं। सर तैयारी तो बहुत की थी, रीट में फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करेंगे सर, सर असल घबरा गए, हार गए, ये हो गया वो हो गया। हार गए हो तो चुपचाप अनसब्सक्राइब करो नरेंद्र दानचार्य को, गौरव सर को, सबको, सब यूट्यूब चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो और आराम से बढ़िया सॉन्ग्स देखो और घर पे बैठ जाओ। ये तो है पहला तरीका। और अगर बीएड की है, 17 सालों से जो संघर्ष कर रहा है, किया है आप लोगों ने, या जो भी अभी वर्तमान में कर रहा है, या तो उसे एकदम सक्सेस कीजिए, उस संघर्ष का परिणाम प्राप्त कीजिए, और या फिर असफलता स्वीकार करके कोने में चुपचाप बैठ जाइए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलता हूं, मुझे किसी प्रकार का ऐसा लाग लपट नहीं है कि मैं आपको भरूं। अभी तक आपके, देखिए असफलताएं किसने नहीं देखी, मैंने खुद ने 2010 में बीएड की थी, जस्ट कंटिन्यू 2012 में वैकेंसी आई, सिलेक्शन नहीं हुआ, 14 में आई नहीं हुआ, 16 वाली में सिलेक्शन हो गया। बीच में दो तो सेकंड ग्रेड बताई मैंने, एक दो रीट भी, टेट आई थी जब पहली बार 2011 में दिया था हमने एग्जाम, पहली बार में 67% थे, 103 नंबर बने थे उस वक्त इतने ही बहुत माने जा रहे थे। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, उस वक्त हमने भी फॉर्म भरा था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। लगातार संघर्ष किया, क्योंकि एक बात थी, नहीं हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा, सुन रखा अटल बिहारी जी वाजपेयी की कविता, पढ़िएगा जरूर। तो इसलिए आप हताश मत होइए, अभी तक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों वैकेंसीज बाकी है और बहुत ही शानदार नौकरियां कही जाती है राजस्थान के अंदर। मतलब विज्ञप्ति शाम को भी आ जाए और कल आ जाए, इस तरह से विज्ञप्ति चल रही है, यानी आजकल में विज्ञप्ति आने ही वाली है। डिपार्टमेंट ओपन हुए नहीं कि विज्ञप्ति आई, विज्ञप्ति के बाद कितना समय मिलेगा कोई नहीं जानता। तो इसीलिए तैयारी एकदम मतलब मजबूत करने के लिए आप बस, अब दीपावली गई, आज का दिन हो रहा है, उसके बाद कल से फिर से वापस मैटर सेलेक्ट कीजिए और लग जाइए। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, और मैं जहां तक समझता हूं कि जिसके रगों में लहू बहता है वो आज इस कहानी को सुनकर, वो बहने, मोस्टली ये कहानी बहनों को इंस्पायर करेगी, जो भी जो अपने घरों में माताएं हैं, माताएं तो खैर क्या तैयारी करेंगी, ठीक है, लेकिन जो भी बहने हैं वो तैयारी करेंगे, उनके लिए बहुत मोटिवेशनल कहानी है। और निश्चित रूप से आप खुद देखेंगे, देखिए मैं आपको कितना भी कहानियां बता दूं, आप जानते हैं, देखिए पीछे तस्वीर है, ये एक तस्वीर मैंने नेट से उठाई, और नेट से मतलब यही आपको बताने के लिए कि भाई तैयारी अगर कोई करना चाहे
तो निश्चित रूप से बेस्ट कर सकता है। ये ऐसी माता पिता की बहुत सी तैयारियां जो है ना वो शानदार सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे माँ बेटों की कहानियां बहुत सी इतिहास भरा पड़ा है, बहुत सी यूट्यूब पे भी पड़ी है, बहुत सी गूगल पे पड़ी। एक तस्वीर उठाई इन इन जो ये माता जी आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, इनके कारण ही जो बेटा है वो मतलब खेल में बहुत ओलंपिक में बहुत आगे तक जाता है, ऐसी कहानी। लेकिन आज मैं जिस शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं उस शख्स का नाम है, उस शख्स का नाम आप देखिए, अगली तस्वीर आप देखिएगा, उस शख्स का नाम है अभिषेक। मैं फोटो भी बताऊंगा आपको। अभिषेक को इतनी जबरदस्त तैयारी करवाई गई कि उसकी ऑल इंडिया रैंक जो है 594, कौन सी रैंक है 594 दिखाई दे रहा है आपको, 594वीं रैंक आई थी। कौन सी रैंक आई थी, 594वीं रैंक। ये है अभिषेक, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर है अभिषेक, 594वीं रैंक आई। सोचो उसके माता पिता ने कितना समय दिया होगा अपने बच्चों को, मां ने इसको टाइम पे चाय दूध खाना पीना सब कुछ सुविधाएं दी होगी, तब जाके बच्चा जो है मतलब एक अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा, तब जाके बच्चा यहां तक आया। लेकिन क्या उसकी अभिषेक जो है, क्या इनकी माता जी को भी इतना सपोर्ट मिला या नहीं मिला, हम कुछ नहीं जानते, ना आप जानते हैं, मैं जानता हूं। अच्छा, जिनका लड़का अगर मान लो नीट में सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो बढ़िया मतलब 15-16-17 एज हो सकती है, तो यानी मां की एज लगभग 40 साल तो होगी होगी। इधर बेटे का इसमें सिलेक्शन होता है, इधर बेटे का नीट में सिलेक्शन होता है, और उधर आप देख सकते हैं माता जी हैं, आपका नाम है अरुणा भूरा लाल पालीवाल, जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट और अरुणा मैडम मेरे मित्र हैं, गिरधारी लाल जी पालीवाल। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं ये स्टोरी हमारे निराश स्टूडेंट्स तक ही पहुंचा सकता हूं ताकि उनमें कुछ ऊर्जा का संचार हो। आप देख सकते हैं कि 135, 150 में से 135, मतलब एक तरफ बच्चा नीट में सेलेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ मां रीट में शानदार स्कोर कर रही है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भी। हम लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, सर हमें सास तैयारी नहीं करने दे रही, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, चार आंसू बहा देते हैं। मैं ठीक है, मैं कभी कभार थोड़ा इमोशनल इंसान हूं, मैं आपकी तकलीफ को समझ जाता हूं, आपके कई बार और भी आसपास लोग हैं आपकी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि ये सिर्फ आंसू, ध्यान रखना, जितनी ये आंसू सिर्फ और सिर्फ कमजोरी दर्शाते हैं मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं है, चाहे वो मेरे आंखों से निकले चाहे वो आपकी आंखों से निकले, कमजोरी है अपनी। जिम्मेदारियों से भागो मत। और ये आप जब कहते हो मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको घर में शादी थी, उसको घर में फलाना जी एक्सपायर हो गए थे, उसको ये हो गया था वो हो गया था, ये चीजें आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं मानेगा कि अच्छा तेरा पेपर दोबारा करवा लेता हूं मैं, बेटा तेरे प्रॉब्लम आ गई थी तो तेरे उसको शादी में जाना जरूरी था इसलिए मैं तेरा पेपर दोबारा करवाता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी दोबारा मौका बहुत कम लोगों को देती है, और जो दोबारा भी मौका खो देते हैं ना उन्हें बार बार मौका नहीं देती। आप इसको मौका मत समझिए कि बार बार वैकेंसी आ जाए, चलो ये वैकेंसी एक बार आ गई, लेकिन हर बार वैकेंसी जाने के बाद 2-3 साल का गैप लगता है, आपको पता होगा अभी पीछे 3 साल हो गए वैकेंसी नहीं हुई है, 18 के बाद अब ये 21 में जाके कंप्लीट हो गई, 3-3 साल लग जाते हैं वैकेंसी को, तो अब इस वैकेंसी को मत खो। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां एक तरफ आप देख सकते हो कि एक मां अपने बच्चे को सेलेक्ट करवाती है नीट में, वो भी ऑल इंडिया 594 में रैंक मायने रखता है साहब, और खुद भी सेलेक्ट होती है जनरल कैंडिडेट। हम कैटेगरी लेते हैं कि इस कैटेगरी में हमारा सर इतना हो जाएगा क्या, सर मेरी तो ये कैटेगरी इसमें हो जाएगा क्या, सर मेरी तो ये कैटेगरी, अरे यार तुम्हें मतलब समझ तैयारी कर रहे हो या फिर मतलब क्या कर क्या रहे हो। आपको हमेशा तैयारी इस हिसाब से करनी चाहिए कि मुझे अच्छी रैंक निकालनी है, बस क्यों कैटेगरी देखते हो। हाँ थोड़ा सीटें देखने अनुमान तो क्या, हाँ भाई मेरी कितनी सीटें हैं, अच्छा इतनी सीटें ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूं। आप अपनी सीटों में कम से कम टॉप आने की कोशिश तो करो। अब जो बंदा पहले से ही अपनी कैटेगरी देखकर, मान लो जैसे मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मैं अपनी ओबीसी कि अपनी ओबीसी है और जनरल की मेरिट 135 जाएगी तो अपनी 133 जाएगी, तो अपने 133 को क्रॉस करना है बस, तो मैं ऑलरेडी 2 नंबर तो नीचे आ चुका हूं, जो मेरे दिमाग में टारगेट था जनरल का मैंने उससे ऑलरेडी 3 नंबर नीचे आ चुका हूं, तो अब मैं तैयारी 3 नंबर नीचे की ही करूंगा। अरे आप तैयारी करो सुपर तैयारी कि मुझे 150 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से मुझे 150
में से 135, 140 एक टारगेट लेके चलो कि यहां तक पहुंचना है, उसके बाद चाहे कट ऑफ कितनी भी, चाहे कितनी भी नकल हो, कितने भी ज्यादा मतलब अफवाहें फैले मार्केट में, मुझे उससे मतलब नहीं है, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होता है। मैं फिर कहता हूं दोस्तों, मैं फिर कहता हूं कि आप लोग देख लीजिए 594 भी रैंक नीट के अंदर टोटल मार्क, आप देखिए फिजिक्स 99.96, केमिस्ट्री 99.87, बायोलॉजी 98.80, टोटल 99.96, यानी सोचिए 99.96 आने के बावजूद इसकी 594 भी रैंक है, तो सोचिए कंपटीशन कितना टफ रहा होगा। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो कुएं के मेंढक हैं और सिर्फ रीट में एक में तैयारी थोड़ी सी क्या कर लेते हैं कि अपने आप को ज्यादा सुपर समझने लगते हैं। मेरी बात को समझें आप लोग, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं। तैयारी करते समय कैटेगरी में मतलब पेपर कैसा आएगा, सिलेबस कब होगा, एग्जाम कब होगा, इसकी इसको छोड़ना, इसको सोचना छोड़ दीजिए। अभी तक दो वैकेंसी है, सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको तैयारी किसकी करनी है। आप तैयारी कीजिए एक सेकंड ग्रेड, मैं जहां तक मुझे पर्सनली राय पूछी जाए तो जो बंदे मतलब सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, थर्ड ग्रेड टीचर सिलेक्ट हो चुके हैं या जिनका अच्छा 130 प्लस स्कोर बन रहा है, अगर वो फर्स्ट ग्रेड चुनते हैं तो बिल्कुल चुने, या कईयों के फर्स्ट ग्रेड ही है ऑप्शन में तो वो फर्स्ट ग्रेड की करें, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो बंदे हैं, मैं उनसे एक ही राय दूंगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। मेरी निजी राय है, किसी पर बाध्य नहीं है। मुझसे अगर पूछा जाए पर्सनली, इसके पीछे कारण कई हैं, कारण आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, आपको निश्चित फायदा होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर मेरे वास्तव में मैं आपको, अगर आप मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है, मैं आपके दिल तक पहुंचने में सक्षम हूं, तो मेरी बातों को समझिए। मैं गलत राय नहीं देता हूं, ना आज तक दी है ना अब देता हूं। सेकंड ग्रेड के, मैंने पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट्स को कहा था, मैंने कहा देखो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साथ में, सेकंड ग्रेड का चुनाव कर लो, फायदे में रहोगे। और जिन्होंने भी ऐसा किया ना, वो सारे फायदे में रहे। आपसे दोस्तों मेरा नम्र निवेदन है, ये शुभ दीपावली, अगली जो शुभ दीपावली है, ईश्वर करे आप सबके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, और एक तरह से लक्ष्मी का प्रवेश 44,500 सेकंड ग्रेड का पे स्केल। तो आप देखिए, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं कि जो भी मेहनत करे ईमानदारी से, उसकी मेहनत जो है वो खराब जाया ना जाए। लेकिन आपको जुड़ना होगा, आपको नियमितता रखनी होगी। अगर आप लोग नियमितता नहीं रखोगे तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आनंद भी नहीं आएगा। सेकंड ग्रेड जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ऑफलाइन बैच लगा रखे हैं, ऑनलाइन बैच लगा रखे हैं, यूट्यूब पर निःशुल्क लगा रखे हैं, हर तरह से 3-3 बार रिवाइज हो रहा है। जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो उनको ऑनलाइन भी सुविधा दे रखी है, और यूट्यूब पर भी निःशुल्क चला रखा है। जो जरूरतमंद साथी हैं, जो नहीं आ सकते हैं इतनी दूर, तो उनको निःशुल्क यूट्यूब पर भी दे रखा है। अब इससे ज्यादा निःशुल्क और कोई क्या करेगा? फिर भी अगर आप नहीं समझते हो, आपको लगता है नहीं ऐसे टाइम पास है, अगर आपको, आप मुझे सीरियसली नहीं ले रहे तो मत लीजिए। अगर मुझे सीरियसली आप लोग नहीं लोगे तो इतना सा भी मेरा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने या हम जैसे जितने भी अध्यापक जो आपको बार बार मतलब जागृत कर रहे हैं, उन्होंने आपको सीरियसली लेना बंद कर दिया ना, तो ध्यान रखना शिक्षा को व्यवसायीकरण हो चुका है। इस बात को समझे, हम चाहते हैं कि आगे भी बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक आए ताकि हम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकें अलग अलग सब्जेक्ट के, और एक बेहतर टीम बना सके जो गांव गांव ढाणी ढाणी तक, कहते हैं ना कि बढ़िया बच्चों को मतलब इतना बेस इतना अच्छा तैयार करे कि उन्हें कभी कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरी बात समझिए, मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जबरदस्त तैयारी करें, आनंद के साथ करें, और आपके चेहरे पर हमेशा चमक बनी रहे तैयारी करने के दौरान। क्योंकि देखिए, पढ़ना तो है, चाहे रो के पढ़ो चाहे हंस के पढ़ो, तो फिर हंस के ही पढ़ते हैं। रही बात, हाँ यार फॉर्म तो लगा दियो, मैं फॉर्म लगा दियो, हाँ फॉर्म तो लगा दियो, फॉर्म तो भर दिया, देखें तैयारी शुरू कर सो, किताब लाऊं वहां पे, अच्छे तो फिर क्यों फॉर्म भरा भाई तूने? अब भी मैंने कहा ना, रीट के अंदर मेरे पास खुद के पास कॉल आते थे मात्र एक महीना पहले, आप में से किसी ने किया होगा, सर वैसे तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, वो आता है, तो अब मुझे बताओ मैं एक महीने में क्या पढ़ूं? अरे वाह, मैं इतने दिन तो उसकी तैयारी कर रहा था, अब मैं जो है ना इसकी तैयारी करना चाहता हूं, अब मैं क्या पढ़ूं? एक महीने में तू रीट की तैयारी करेगा? उनको मैं कुछ कह तो नहीं सकता था, मैंने कहा हाँ ठीक है आप ये पढ़िए, और मैं क्या कहूं? ये तो बेवकूफी वाला प्रश्न था।
रीट की तैयारी 17 लाख कैंडिडेट जहां मतलब जी जान लगाए बैठे हैं, वहां तो 1 महीने में सीट निकाल लेगा। उन्होंने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? बिल्कुल भी, मुझे डांटते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कोई मुझे मेरे मेरे के यूट्यूब पे आके गलत कमेंट करे, शौक से कर सकता है, क्या दिक्कत है? वो अपनी मतलब कमजोरी को जाहिर करेगा। भाई साहब तपना पड़ता है, अगर खरा सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। मैं आपको हताश निराश नहीं, बल्कि मैं आप में जोश और ऊर्जा बनने आया हूं कि जब एक माँ अपने बच्चे को नीट में इतनी अच्छी रैंक से सेलेक्ट करवा के भी खुद रीट में सेलेक्ट हो सकती है, तो जिम्मेदारियों का जो रोना है वो मत रोइए। या तो जिम्मेदारी को रोना रोना है तो घर पे बैठिए, और वरना ढंग से तैयारी कीजिए। दोनों बातें एक साथ नहीं होगी। और जो रोना रोते रहते हैं उन्हें भगवान, जो बार बार रोना रोते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं ना, उनको भगवान भी कह देता है तथास्तु, और फिर वो जिंदगी भर रोते ही रहते हैं। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए, बल्कि ऊर्जा के साथ, जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए। बहुत से अच्छे अध्यापक बैठे हैं, हर सब्जेक्ट के अच्छे अध्यापक बैठे हैं, चाहे मनोविज्ञान के अपने धीर सिंह जी हों, चाहे गौरव सिंह जी जीके पढ़ाते हों, ठीक है, और भी बहुत से हैं, श्री गणपत जी हों, ठीक है, बहुत से यूट्यूब पर बैठे हैं। मैं तो नाम लेके कहता हूँ साहब, अच्छे लोगों को तो मैं जितना ज़्यादा मतलब शेयर करूँ उतना बढ़िया है, आप लोगों का फायदा ही होगा, मुझे थोड़े नुकसान है, ठीक है। हाँ मैं अब अच्छा हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं थोड़ा प्रयास अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक थोड़ा सा कहता है ना कि जोश नहीं भरा जाएगा ना, थोड़ा सा नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक दोनों पुनर्बलन आपको नहीं दिए जाएंगे, तब तक आप तैयारी नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको गुस्सा आए। आज आप जो भी मेहमान वगैरह घर पे आने वाले हैं राम राम करने के लिए, उनसे सबसे राम राम करो, और राम राम करने के साथ ही ये बोलिए कि हाँ बहुत बहुत राम राम, और अब अगली दीपावली तक जो है वो आपसे राम राम ही है, तब तक हमें पढ़ने दीजिए और बढ़िया तैयारी कीजिए, फायदा होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, मैं फिर बोल रहा हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, है ना, खुदा भी तुझसे पूछे अभी आएगा और ऊपर कितना। तो थोड़ा हास्य मतलब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जोश और जुनून के साथ तैयारी करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। पता नहीं आप लोग बोरिंग, मैं कल एक फोन आया, सर मैं हिंदी में तैयारी करूँ या सामाजिक में करूँ? मैंने कहा भाई आपकी रुचि किसमें? बोला रुचि तो किसी में नहीं है, दोनों ठीक ठाक है। अच्छा दोनों ठीक ठाक है, चलो भाई दोनों ठीक ठाक है, तो मैडम सर लेंदी कौन सा रहेगा? लेंदी तो सामाजिक रहेगा, 6 सब्जेक्ट है उसमें, हिंदी में कर लीजिए। सर हिंदी तो 0 लेवल से करनी है। अरे तो सबको 0 लेवल से ही करनी है, मतलब एक सब्जेक्ट में रुचि होती है। तो मेरी रुचि हिंदी में थी, मैं हिंदी में आगे बढ़ा। आपकी रुचि जिसमें है उसे चुनिए ना, आप उसे चुनिए और तैयारी कीजिए। मतलब तैयारी को जब तक बोझ बनाए रखोगे ना, सिलेक्शन नहीं होगा। तैयारी के साथ इतना दिल से जुड़ जाइए, पूरा दिल जी जान लगा दीजिए उसमें। लेकिन लोग कभी जी जान लगाते भी तो नहीं है, एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े, रेगुलरिटी नहीं है, तब ऐसा नहीं होता है। छोटा बच्चा है रोता है, मैं मानता हूं छोटा बच्चा है रोता है, बिल्कुल मैं मानता हूं, वो सोता है तब टाइम निकालिए। सर वो सोता है तब तो घर का काम करते हैं, और जब वो रोता है तब उसको संभालते हैं, बाकी टाइम सर सोते हैं, तो फिर तैयारी कब करोगे? फिर तैयारी कब करोगे? एडजस्टमेंट आपको खुद को बिठाना पड़ेगा, समायोजन आपको। देखिए आपको भी 24 घंटे मिलते हैं, मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं, और सबको 24 घंटे मिलते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, देखिए दोस्तों अभी सर्दियों 10 से 4 स्कूल हो जाएगी, सुबह मुझे पढ़ाना है, फिर स्कूल जाना है 4 बजे तक स्कूल, 5 बजे के आने के बाद फिर पढ़ाता हूं, रात को 1 क्लास आपके लूंगा, मेरे पास भी इतना ही समय है, इसी में मुझे अपनी तैयारी को भी जारी रखना है, आप लोगों के लिए भी कुछ करना है, सबके पास इतना ही समय। जो सेलेक्ट होंगे उनके पास भी 24 घंटे थे दिन में, और आपके पास भी 24 घंटे हैं, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा किसी को नहीं मिलते हैं, भगवान ने सबको। अच्छा दूसरा, सर वो होशियार है मैं कमजोर हूं? देखिए मैं आपको बता दूं, होशियार भगवान ने सबको ये पाव भर का भेजा बराबर दे के भेजा है, यमक अलंकार है यहां पर, भगवान ने ये भेजा पाव भर का भेजा सबको बराबर दे के भेजा है, तो दिमाग सबका बराबर है, यूज कौन ज्यादा करता है आप पे डिपेंड करता है। अपने पास किताबों की कृत्रिमता बातें नहीं है, विवेकानंद जी की बातें नहीं है, राजा राम मोहन राय की बातें नहीं है, क्योंकि वो बातें पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें अपनाने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। मैं उतना महान मनुष्य नहीं हूं, मैं अपने आसपास के धरातल से जुड़े हुए एग्जाम्पल देखता हूं, और मुझे ये एग्जाम्पल जो आपने देखा अभी, जो एग्जाम्पल आपने देखा, ये एग्जाम्पल जो अभिषेक का एग्जाम्पल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि जनरल कैंडिडेट बढ़िया रैंक से सिलेक्ट हुआ, और उसके बाद उनकी माताजी भी रीट में बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हुई। तो गिरधारी लाल जी पालीवाल ने मुझे ये बताया कि सर आप बिल्कुल इंस्पायर कीजिए बच्चों को, तो मुझे लगा कि आपको करना चाहिए,
तो मैंने आपको आज ये बताने का प्रयास किया, है ना। तो अब दोस्तों इससे ज्यादा तो मैं और क्या कहूँ आपको, आप सभी समझदार हैं। एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली के राम राम। और अब आप आजाद फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। कल से परसों दो दिन आपके पास हैं, सोच लीजिए आपको क्या करना है। और सोमवार के बाद में फिर पीछे मुड़ के मत देखना। अगर सोमवार के बाद आपने पीछे मुड़ के देखा तो याद रखना बहुत पीछे रह जाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपने ठान लिया तो याद रखें सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। कोशिशें करते रहिए, कोशिशें करते रहिए, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। आप हार मत मानिए। कोई भी कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है जिसे हम फाइट ना कर सके, जिसे हम क्रैक ना कर सके। जोश और जुनून के साथ लगे रहिए, सफलता सुनिश्चित आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।